तिवारी जी, क्या कर रहे हैं आप मेरे बेडरूम में? क्या कर रहे हैं आप बेडरूम में बिबू के साथ? बताइए भाभी जी, हम वो आपको इंटरव्यू देकर घर की तरफ जा रहे थे ना, तो हमने देखा कि हमारे घर का दरवाजा बंद हो गया क्योंकि चाबी अंदर भूल गए थे, और अंगूरी जो घोड़े बेचकर सो रही थी, तो हम आपके घर के नीचे टहल रहे थे, तो हमने देखा कि भभूति जी की आवाज़ आ रही, कुछ कप कपाती सी आवाज़ आई, तो हम जो ही ऊपर आए तो देखा कि रजाई बजाई भी इन्हें कोई गर्मी नहीं दे पा रही है, और हीटर वीटर भी है जो वो कोई इन्हें गर्मी नहीं पहुंचा रहे हैं, तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम अपने शरीर की गर्मी इन्हें दे दें, नहीं तो ये तो टाइम बोल जाएंगे। थू थू थू। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे गर्मी दीजिए, मैं आया था कहने के लिए आपसे, तो क्या जरूरत थी आपको देने की? अगर आपको मुझे गर्मी ही देनी थी तो मेरे बेड के नीचे बड़े से बर्तन में आग रख देते, मुझे गर्मी मिल जाती। और मैं कानपुर में सालों से रह रहा हूं, मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी के जिसम में गर्मी लेनी पड़े, समझे ना आप? और आपने दी क्यों मुझे गर्मी? आई हेट यू, आई हेट यू। अरे अरे, आपकी हालत बहुत खराब थी भाई, इसलिए ऐसी स्थिति में हमें जो भी समझ में आया सो हमने कर दिया। एक्सक्यूज मी, मेरी हालत खराब नहीं थी, मैं टोपी लगा के ग्लव्स पहन के सो रहा था। आई वाज परफेक्टली परफेक्टली ऑलराइट। दिस मैन जस्ट क्रैप्ड इनसाइड। ओह गॉड। तिवारी जी, क्या क्या पहना है आपने? व्हाट इज दिस? ये आपने मेरी नाइटी पहनी है? यस ऑफ कोर्स, ही इज वेयरिंग योर्स। ये मेरी नाइटी क्यों पहन रखी है आपने? वो भाभी जी, दरअसल हम इन्हें आपका फील देना चाहते थे, नहीं तो ये वो गर्मी लेते नहीं ना। ओह गॉड, व्हाट डिस्गस्टिंग। जाइए, अपने कपड़े पहनिए और जाइए घर। तो ये नाइटी धुलवा के भेज कोई जरूरत नहीं है, रख लीजिए नाइटी आप, कीप इट। गो अवे। ये जा रहे हैं। गॉड, दिस मैन इज। तुम्हारी वजह से मैं रात भर इस आदमी से लिपट के सोया हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। हाँ, इसमें मेरी क्या गलती है? अरे आदमी को होश तो होना चाहिए ना कि उसके बगल में कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा है। सारी गलती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी गलती है ये। क्या जरूरत थी रात में भटकने की, रिपोर्टिंग करने की? अगर रात में कुछ ऊंच नीच हो गई होती तो मैं तो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। क्या पता हो भी गई होगी। अच्छा, जाओ बाथरूम में जाओ और रगड़ रगड़ के नहाओ। चल। अरे मैड, ठंड में नहाऊंगा? नो, आई विल नॉट। व्हाट? चल, चलो नहाने। व्हाट? चलो नहाने चलो। व्हाट? चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तुमरे बगैर लड्डू के भैया सावन मजा न देगा। चूड़ी भाभी जी, मौसम के हिसाब से, हालात के हिसाब से गाना गलत गा रही हैं आप। गाना ऐसा है कि चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन कंबल मजा न देगा। नहीं नहीं, लेकिन गाने में तो सावन है। ये सिचुएशन में कंबल है। क्या बोले? आपके समझ में कुछ नहीं आएगा। भाभी जी, आप स्वेटर बुन रही हैं? नहीं नहीं, हम लड्डू के लिए कंटोपा बना रहे हैं। वो कहा है ना कि इस सर्दी के मौसम में ना उसको बहुत जल्दी ठंड पकड़ लेता है। अमली सिद्धा सेडन अड्डू पड्डू लड्डू सर। भाभी जी देखिए, मैं क्या लाया हूँ आपके लिए। मूंगफली और गुड़ लाए। हमको बहुत पसंद है मूंगफली और गुड़। अभी जी, अगर आप गुड़ है तो हम चीता है। क्या बोले? मैं तभी तो भाभी जी गुड़ और मूंगफली लाया हूँ आपके लिए, आपको पसंद है इसलिए। अभी जी, आपको पता है कि गुड़ और मूंगफली खाने के पीछे लॉजिक क्या है? लोग सर्दियों में गुड़ मूंगफली क्यों खाते का है? अभी जी, क्या है कि वो जो मूंगफली और गुड़ की जो तासीर है बड़ी गर्म होती है, उसको खाने से आदमी के अंदर जोश आ जाता है और गर्मी पैदा होती है। दैट्स व्हाई पीपल ईट इट। हाँ हाँ, ठीक बा ठीक बा, हम समझ गए। हाँ भैया, जोश और गर्मी से याद आया, आजकल ना लड्डू के भैया के अंदर तो बहुत जोश और गर्मी बढ़ गया है। What? Is he misbehaving with you?
Huh? Tell me, if he misbehaves with you, I swear to God, I'll kill this man. क्या बोले? मेरा मतलब भाभी जी आपको ऐसा क्यों लगा? हाँ आपको पता है भरभूति जी ऐसी कड़कड़ाती ठंड में लटके भैया कच्चा बनियान पहनकर टहलने निकल जाते हैं। अच्छा? हाँ और जब हम उनको पूछते हैं ना कि का लटके भैया आपको ठंड ना ही लग रहा है हाँ, तो हमको बोलते हैं कि ठंड तो बुड्ढों को लगता है जवानों को ना ही। अका आपको ठंड लग रहा है? Sort of. लेकिन भाभी जी आपके लड्डू के भैया जवान नहीं है, बीमार है, बीमार, और ये बहुत ही चिंता की बात है। क्या हो गया उनको? भाभी जी वो आदमी अंदर अंदर जल रहा है, he's burning from inside, he's almost on fire. उनके अंदर आग लग गया है? जल रहे हैं। और अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया गया वक्त पर तो जल के एक दिन राख का ढेर हो जाएंगे भाभी जी। God is told. तो मैं करना चाह रहा हूँ आपसे लेकिन आप कर नहीं रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप ट्रीटमेंट कीजिए, ट्रीटमेंट उनका। सही पकड़े हैं। क्या इलाज करना है? भाभी जी ट्रीटमेंट बड़ा आसान है, आप उन्हें ठंडी चीजें खिलाइए और पिलाइए। एकदम चाइल्ड। भाभी जी क्या लगता है आप जानबूझ के ना मुझे मतलब बर्फ के टुकड़े खिलाइए, आइसक्रीम खिलाइए वो भी चिल्ड खिलाइए, और खाना खिलाइए वो भी चिल्ड, मतलब कि फ्रिज में रख के खाना खिलाइए उनको, तो आई एम श्योर कि वो एकदम ठंडे हो जाएंगे। एकदम ठंडे हो जाएंगे। आई विश कि वो वंस एंड फॉर ऑल हो जाएं, लेकिन फिलहाल वो नॉर्मल हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। ठीक बा ठीक बा, आज से ही हम उनको ठंडा खिलाते हैं, चाय भी ठंडा ही पिलाएंगे। या जरूर खिलाइए। ठीक बा। तिवारी जी बड़ा हीरो बन रहे थे ना अन्नू के सामने, मैंने भी अगर इन्हें निमोनिया गिफ्ट ना किया न्यू ईयर पे तो मेरा नाम भी हैप्पी न्यू ईयर नहीं। अबे यार ये चल यार चल। अरे यार ये बाबा जी कहाँ चले गए? बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, यार ये बाबा जी कहाँ गायब हो जाते हैं? ये बाबा जी की वजह से तो भाभी जी के सामने हम हीरो बने हुए हैं और ये गायब हो जाते हैं। बाबा जी, जय भोलेनाथ। आइए 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 बैठिए। क्या बाबा जी आप कहाँ गायब हो जाते हैं? देखिए आप गायब होते हैं तो हमारे प्राण सूखने लगते हैं। तो अपने प्राण को पानी में डालकर गीला कर लिया कर बच्चा। वो आपने हमसे कहा था ना कि आज वो पुड़िया लेने आ जाना, तो हम वो पुड़िया लेने आ गए। तो दीजिए। मैंने कहा था जी? आपने कहा था आ जाने के लिए? जी बिल्कुल। तो एक मिनट रुक जा बच्चा। जी जी जी। ले बच्चा आखिरी है, संभाल के खाना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद से काम नहीं चलेगा बच्चा, 2000 रुपया निकालो। भाभी जी घर पर है? जी कमी तो ये भी आ गए। अरे आइए आइए तिवारी जी। ओहो भाभी जी कितनी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। नहीं और देखिए आपने जो है हीटर लगा रखा है। खैर कोई बात नहीं, हम भी आपके करीब आ जाते हैं, नहीं तो इन्हें लगेगा हम खाम का शो ऑफ कर रहे हैं। वैसे पता है विभू, तिवारी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल रात में तिवारी जी ने क्या इंटरव्यू दिया है मुझे, क्या इंटरव्यू दिया है। अरे मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला उस इंटरव्यू का। आपको पता है कितने सारे लोगों ने आपका नंबर मुझसे मांगा है, क्योंकि वो आपसे टिप्स लेना चाहते हैं। भाभी जी तो कुछ भी नहीं है, आज रात जो हम कारनामा करने जा रहे हैं ना वो सुनकर तो पूरे कानपुर के तोते उड़ जाएंगे भाभी जी एकदम। कौन सा कारनामा करने वाले हैं? आगरा ताजमहल खसीट के यहाँ लेके आने वाले हैं कानपुर में? जनाब अगर आपकी हिम्मत है ना
तो कड़कड़ाती सर्दी में बाहर आकर दिखाइएगा चाचा। चाचा, यू कॉलिंग मी चाचा? हाउ डे यू कॉल मी चाचा? अब बुढ़ा हुआ आदमी को चाचा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बुढ़े होंगे आप, आपका पूरा खानदान। अनु, टेल हिम, टेल हिम, प्लीज टेल हिम टू शट अप, वरना मैं आई लूज माय कूल। भाई देखो, बुढ़ऊ कौन है ये तो अब सब लोग देख ही लेंगे, हमारी जवानी तो भय भय जा रही है। तिवारी जी रिलैक्स, इट्स ओके। जी जी, विभू की बात को इतना सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो ये बताइए कि आज रात को आप क्या कारनामा करने वाले हैं? क्योंकि मुझे पब्लिसिटी करनी पड़ेगी ना, प्रोमोस चलाने पड़ेंगे। जी जी, भाभी जी, आज रात जो है हम जो कारनामा करने जा रहे हैं वो ये है कि हम एकदम बीच चौराहे में एकदम चिलचिलाते ठंडे पानी से नहाएंगे। लो चाचा कांप गए। हुआ पगली, काय शोर मचा रखा है? ये सब का है लड्डू के भैया? इतना पतला कच्छा बनियान पहनकर हाथ में पानी का बाल्टी लेकर कहाँ जा रहे हैं? वो हम तो निकल लान में नहाने जा रहे हैं पगली। अरे क्या बात कर रहे हैं, इतना कड़कड़ाता ठंड में बाहर आप नहाने जा रहे हैं? आप अकड़ जाएंगे, ठिठुर जाएंगे। अरे ठंड कमजोर लोगों को लगती है पगली, जैसे भभूति जी। हम ठहरे स्ट्रांग मैन, हमें ठंड वंड नहीं लगती। लेकिन आप तो हमको इतने स्ट्रांग नहीं लगते हैं। पूरे कानपुर में हमारे चर्चे हो रहे हैं, लोग हमें स्ट्रांग मैन नाम से पुकार रहे हैं। भाभी जी अपनी अपने प्रोग्राम में हमें हीरो ले रही है और तुम कह रही हो कि हम स्ट्रांग नहीं है। हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है ना तो खुद आके अपनी आंखों से देख लो, तुम्हें विश्वास हो जाएगा कि हम कितने स्ट्रांग हैं। क्या हो गया है लड्डू के भैया को? कौन भूत प्रेत का साया तो ना है उनके ऊपर? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। सक्सेना जी, मेरा गेटअप ठीक है ना? माइंड बॉगलिंग। चलिए, 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अरे यार, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही है, हड्डी तोड़ ठंड है। लेकिन चिंता मत कर मनमोहन तिवारी, इस हड्डी तोड़ ठंड का तोड़ है तेरे पास। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। भाई मैं बहुत हाई हो रहा है, थोड़ा लो करिए। 1 2 3 माइक टेस्टिंग, माइक टेस्टिंग। अरे हेलो भाभी जी। अरे वाह तिवारी जी, यू आर रेडी ना? हाँ भाभी जी। यस सर, सर थोड़ा थोड़ा इंतजार कर ले तो चार पांच। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी ठंड बढ़ गई है, अब इंतजार और नहीं कर सकते। परफेक्ट टाइम जी। भैया अरे ठीक है भैया, इतना कड़कड़ाता ठंड में मत नहाइए। अब अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इनका ठंड कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ही इज अ स्टील मैन, आप खुद अपनी आंखों से कारनामा देखिए इनका। नहीं नहीं अनीता जी, रोक लीजिए उनको, नहीं तो वो नमूने हो जाएंगे। भाभी जी, नमूने तो ऑलरेडी ये हैं, आप जो कहना चाह रही वो निमोनिया है। हंसी पकड़े हैं। लुक एट हिम, जस्ट लुक एट हिम, लुक एट हिम, he's a man of steel, just look at him, the whole Kanpur is looking up to him, pura Kanpur unko dekh raha hai. true kya kar rahe hain aap? Bada maza aayega aapko, barf dal raha hu, thanda kar raha hu pani, you'll enjoy more. Aur jab ye thanda pani aapke garam jism pe padega aur dhuan niklega to log bolenge aapko Tiwari ji's smoking hot. Right, he's right, he's so right. I like it.
ठहर जाओ ठहर जाओ, जो का तमाशा चल रहा है। अरे दरोगा हप्पू सिंह जी आइए आइए, आप भी आइए और दिल थाम के देखिए, क्योंकि तिवारी जी इस कड़ाके की ठंड में बर्फ के पानी से नहाएंगे। सही में तब तो गोरी में मजो आ जाएगा, ठंड पड़ जाएगी। अरे यार रुक जाइए लटके भैया। भाभी जी जरा हमारा एक फोन आ रहा है। अरे फोन छोड़िए, कारनामा दिखाइए ना यार। नहीं ना यार, एक मिनट फोन तो करने दो। हेलो मनमोहन तिवारी। हाँ हाँ बोल रहे हैं। हाँ भैया देखो, अब बहुत मुश्किल से तुम्हारा नंबर मिला है। हाँ बात क्या है, जो पुड़िया लेके गया था ना तुम, वो लेना नहीं है बच्चा। गलती से गलत पुड़िया दे दिया तुमको। क्या? अच्छा तुमको पता है ना बच्चा, जब बाबा जी का प्रसाद लेता हूँ तो घंटी बज जाती है मेरी। गुड नाइट। इधर इधर चलिए बैठिए। नहीं चलिए बैठिए तिवारी जी, कम ऑन कम ऑन। अरे यार तिवारी जल क्रीडा जल्दी करो, हमें ड्यूटी पे जाने टाइम नहीं है यार, नहाओ जल्दी। ऑल द बेस्ट तिवारी जी, इट्स टाइम, उतारे बनिया। गुड वेरी गुड। ओह गॉड, राइट मे बी डोंट लुक देयर, आई लाइक इट। ओके ऑलराइट। अरे मोरी मैया तुम्हारे शरीर से भैया। गुड वेरी गुड, आई लाइक इट। तिवारी जी आप नहाने बैठे, कुछ और करने नहीं बैठे प्लीज। दिया, I love you, लड्डू के भैया। Lovely. गोरी में मजो आ गो, कितना बढ़िया तमाशा दिखा हुआ आपने। आप सिर्फ यहाँ तमाशा है देखते रहिए। चोर हमारी तीसरी रजाई चुरा कर ले गया और आप यहाँ इस नंगे आदमी को नहाते हुए देख रहे हैं। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लड्डू के भैया। दरोगा जी जवाब दीजिए। अरे यार छोड़ो, चलो यार लौंडो। जनता जवाब चाहती है आपसे। हमारे पर भी चिल्ला रहा तू। रुकिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तिवारी जी को कुछ और इम्पैक्ट देना चाहिए। मजा नहीं आ रहा इनको। हाँ हाँ, थोड़ा और बर्फ डालो ना। अभी लाया, अभी लाया। मोर आइस, आई लाइक इट। रिलेटिव की भैया है सुपरमैन वाह। रिलेटिव की भैया।
लड्डू के भैया भैया सुपर मैनबा मुनबा जाओ हमारी कम्बल लेकर आओ, कम्बल लेकर आओ, जाओ। कहाँ ला रहे हैं? अरे ये किचन में कहाँ गई कम्बल लेने? तेरी ये भी एक नंबर की बॉडम है। लाओ कम्बल। अरे ये क्या है? ये आइसक्रीम है।